दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं TVS जुपिटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर जो फ्रेंड्स गाड़ी है वो आजकल की तारीख में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मार्केट शेयर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा स्कूटर्स के अंदर बिकने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। प्राइस वगैरह की जो भी जानकारी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही डीलर जो हैं इस गाड़ी के अविनाश मोटर्स, उनके बारे में भी जो भी डिटेल्स हैं, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के इंजन के बारे में, तो आपको इंजन टाइप सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC इंजन दिया जा रहा है। 109.7 CC का आपको गाड़ी का इंजन मिलता है। 7.99 PS की पावर मिलती है एट द रेट ऑफ 7500 के RPM में। 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 5500 के RPM में। नंबर ऑफ सिलेंडर आपको एक दिया जा रहा है। वेव्स पर सिलेंडर आपको 2 मिलते हैं गाड़ी के अंदर। फ्यूल सप्लाई सिस्टम की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो आपको कार्बोरेटर फ्यूल सप्लाई सिस्टम दिया जा रहा है। फ्यूल टाइप पेट्रोल इंजन आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और अगर गाड़ी के इग्निशन की फ्रेंड्स बात करें, तो आपको डिजिटल IDI विथ इग्निशन मैप टेक्नोलॉजी गाड़ी के अंदर दी जा रही है। ट्रांसमिशन CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं TVS की तरफ से। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में, तो आपको आगे पीछे ब्रेक टाइप आपको ड्रम दिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसका लोवेस्ट वेरियंट है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके व्हील साइज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको 12 इंच के व्हील मिलते हैं आगे पीछे। एलो व्हील्स आपको दिए जा रहे हैं। ट्यूबलेस टायर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की चेजिस के बारे में, तो आपको हाई रिजिडिटी अंडरबोन चेजी गाड़ी के अंदर मिलती है, जो कि TVS के स्कूटर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स बात करें अगर रियर टायर के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको जो रियर टायर गाड़ी का दिया जा रहा है वो भी आपको 12 इंचेस का मिलता है। ट्यूबलेस टायर दिए जा रहे हैं, एलो व्हील्स के साथ में मिलता है आपको। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन है। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको 85 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है और 62 km/L का माइलेज कंपनी बताती है। बट फ्रेंड्स अगर मैं बताऊँ इसका माइलेज आपको, तो 50 km/L का आपको आराम से माइलेज गाड़ी का मिल जाएगा। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके, अगर गाड़ी को आप तेज़ चलाते हैं, तो फ्रेंड्स डिपेंड करता है इसका माइलेज जो है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल माइलेज है 50 to 55 का हमेशा रहा है जुपिटर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो आपको 1834 mm की लेंथ दी जा रही है। 650 mm की आपको विड्थ मिलती है और 1115 mm की आपको गाड़ी की हाइट दी जा रही है, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है डायमेंशन। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के व्हील बेस के बारे में, तो आपको 1275 mm का व्हील बेस मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको सिंक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जा रहा है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो आपको 5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा रही है, जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। गाड़ी की जो सीट हाइट है वो आपको 765 mm की सीट हाइट गाड़ी के अंदर मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो आपको 150 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड वारंटी 5 साल की मिलती है और 50,000 km की आपको डिस्टेंस वारंटी गाड़ी के अंदर दी जा रही है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की मिरर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ आपको जो TVS की मिरर्स दी जाती है वो ड्राइवर फ्रेंडली मिरर होती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके मीटर के बारे में, तो आपको एनालॉग मीटर दिया जा रहा है, बिकॉज़ ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये इसका लोवेस्ट मॉडल है। साथ ही में फ्रेंड्स आपको फ्यूल मीटर यहाँ पर मिलता है। फ्यूल इकोनॉमी की लाइट आपको यहाँ पर भी दी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। पावर और इको की लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। फ्रेंड्स जो कंपनी कहती है, जो इस आप गाड़ी अगर इको मोड पर ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि 45 to 50 की स्पीड पर गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आपको जो माइलेज है वो 60 to 62 km/L का मिलेगा। अगर आप पावर मोड में गाड़ी ड्राइव करते हैं, यानी कि 50 km/h की स्पीड से अगर आप ऊपर जाते हैं, तो आपको माइलेज तो मिलेगा, लेकिन जो कंपनी बता रही है वो वाला माइलेज आपको नहीं दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये जो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी किस तरीके से चला रहे हैं, माइलेज जो डिपेंड करता है वो ड्राइवर के चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पावर और इकोनॉमी के अंदर पता लग जाएंगी। और अगर फ्रेंड्स बात करें हेडबीम्स की लाइट के बारे में तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलती है, इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर ही दिए जा रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हेडबीम्स एडजस्टेबल का बटन दिया गया और पासिंग स्विच भी आपको यहाँ पर ही मिलता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के हॉर्न के बारे में तो बिल्कुल डिसेंट साइज़ का इसका हॉर्न है और साउंड भी बिल्कुल डिसेंट है, जिससे कि आप चला रहे हैं तो आपको भी प्रॉब्लम ना आए और जो दूसरे लोग साथ में आपके ड्राइव कर रहे हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर फ्रेंड्स बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी इंडिकेटर लाइट है वो चलने लग गई। फ्यूल इकोनॉमी की जो लाइट है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपको हेडबीम्स की लाइट मिलती है और यहाँ पर भी आपको लेफ्ट साइड इंडिकेटर्स की लाइट दी गई है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बीच में आपको TVS की बैजिंग मिल जाएगी और कह सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाई गई है। साथ ही में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक हुक मिल जाएगा और एक हुक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी दी गई है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके फ्यूल टैंक ओपन करने के बारे में तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से अगर आप करेंगे तो फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा, जो कि TVS सबसे पहले लेके आया था अपनी गाड़ी के अंदर। साथ ही में TVS की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी टेल लाइट्स के बारे में तो आपको नॉर्मल टेल लाइट्स दी जा रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके बूट ओपनिंग के बारे में तो ये जो बूट है इसका ओपन हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें USB चार्जर के बारे में तो फ्रेंड्स ये लोवेस्ट वेरिएंट है, इसलिए इसमें आपको USB चार्जर नहीं मिलेगा। साथ ही में फ्रेंड्स आपको USB चार्जर यहाँ पर दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन में है TVS शोरूम से आप लगवा सकते हैं, जो डीलर से आप गाड़ी ले रहे हैं उसके बारे में। और साथ ही जो अविनाश मोटर्स है वो भी आपको दे देंगे अगर आप डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो डीलर हैं वो खुद ही लगा के देंगे। और फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की चौक के बारे में तो आपको चौक यहाँ पर दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स बात करें इस गाड़ी के हेडलैम्प्स के बारे में तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। इंडिकेटर्स की फ्रेंड्स बात करें तो आपको इंडिकेटर यहाँ साइड में मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और गुड लुकिंग मिलते हैं। ये 2018 वेरिएंट फ्रेंड्स आप देख रख रहे हैं, 2019 वेरिएंट नहीं है। और अगर फ्रेंड्स बात करें क्रोम ट्रीटमेंट के बारे में तो गाड़ी के अंदर हमेशा आपको क्रोम ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं TVS की बैजिंग भी आपको फ्रंट में क्रोम ट्रीटमेंट में मिलती है। साथ ही में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जुपिटर की बैजिंग भी क्रोम ट्रीटमेंट में दी जा रही है। और अगर फ्रेंड्स बात करें एक साइड लुक में आपको गाड़ी का अगर दिखाना चाहूं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो इसका साइड लुक है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइड लुक आपको गाड़ी का देखने को मिलेगा, जो लुकिंग के मामले में भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खड़ी उतर सकती है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके एलो व्हील्स के बारे में तो एलो व्हील्स का शाइन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। ओवरऑल जो भी एक्सेसरीज गाड़ी की है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप TVS की एक्सेसरीज वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एक्सेसरीज होगी और जो जेन्युइन एक्सेसरीज है वो तो आपको डीलर प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको CVTi साइलेंसर के ऊपर एक बैजिंग मिलती है, और साथ ही में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हीट गार्ड दिया जाता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेंस फुटरेस्ट की अगर फ्रेंड्स बात करें तो आप देख सकते हैं आपको मेंस फुटरेस्ट किस वे में दिया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। साथ ही अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के वुमेन फुटरेस्ट के बारे में तो आपको एक्सेसरीज में मिलता है और आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और आपका प्यार हमें दीजिए। कमेंट्स में आपके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, और अगर आपके पास में पहले से जुपिटर है तो फ्रेंड्स जो भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, घणी खम्मा।